जीजी पिताजी की 10वीं पुण्यतिथि है, हाँ इसलिए कॉल किए थे, शाम को आ जाना। ए जी, पिताजी की सारी चीजें निकालना जरूरी है क्या? हाँ निकालना जरूरी है, और वो तस्वीर जरा संभाल के, एक ही तस्वीर है पता है ना, 50 साल पुरानी है। अरे इस लड़के का मैं क्या करूं, कल को अगर भगवान ने मुझे उठा लिया तब तू क्या करेगा? अरे पापा आप टेंशन मत लो, भगवान सिर्फ अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। ए मुन्ना इधर आ। सॉरी, मुंह से निकल गई। दिमाग में भूसा भरा है क्या? जल्दी करो। हाँ जाइए, आप जाइए, पकड़ो इसे, पकड़ो अच्छे से, पकड़ो ठीक से, पकड़ो। ये नहीं की तस्वीर बाहर लगा के रख दी। दद्दू, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे अरे रुकिए, इधर आइए आप, बिना मतलब कहा ऊपर जा रहे हैं। अरे क्या कर रही हो, मुन्ना देख लेगा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं नहीं देखूंगा, आप करो जो आपको करना है। ए आओ के ऊपर। शांत रहिए आप ना, जल्दी जाइए और स्टेशन के पास से वो जो फूल वाला है ना, उसे फूल लेके आइए। फूल? हाँ। वो भी इतने दूर से? हाँ। अरे जब तक लेके आऊंगा तब तक मुरझा जाएंगे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ? हमारे पिताजी को वही पसंद था है ना, तो वही लाने पड़ेंगे ना। ठीक है मैं जाके आता हूँ, तब तक तू सब तैयारी करके रखना। हाँ हाँ। स्कूल बैग है तुम्हारा, पीछे से करेगा इसको, आराम से लगाओ। मुन्ना बहुत लगा रहे हो तुम। अभी थोड़ा सा जो है, और अभी ऐसा। अरे मुन्ना की अम्मा, अरे फोटो नहीं लगी अब तक। मुन्ना मर गए। मुन्ना अब जाके देखो जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, और इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो फूल वाला रास्ते में मिल गया था। अच्छा कितना काम करते हैं आप, आपको देख के ना मुझे ऐसा बहुत गर्व होता है। गर्व क्या चल रहा है सुबह से, मैं बोल रहा हूँ मुन्ना घर पे है। अरे पापा मैं नहीं हूँ घर पे, आप करो जो आपको करना है। ए जाइए आप। कहा? मतलब जीजी को ले रहे हैं, उनके घर जाइए। अरे वो खुद आ जाएंगी। लेकिन अगर पिताजी होते तो उनको क्या लगता कि आप जाओ अपनी बहन को लेके आओ, है ना, कितने खुश हो जाते वो, तो आप चाहिए। अरे मैं आया हूँ अभी ये सब। अरे आप समझते नहीं है, बता रहे ना हम पिताजी की इच्छा है, समझ के जाइए जाइए जाइए। ठीक है मैं जाके आता हूँ, तुम ये सब लगा देना, फोटो वगैरह कर लेंगे, आप समझते नहीं बात की इम्पोर्टेंस। मुझे शाम हो जाएगी आने तक। हाँ रात होने दो, जाओ तुम लगा दो। हाँ मुन्ना बहुत मुश्किल से भेजे तुम्हारे पापा को, चिपक गया। तुम हमारी मुसीबत निकालो, उसको निकल जाएगा, सुनो हमारी बात, एक एक उंगली करके निकालो, ठीक है हम गिनते, ठीक है, एक दो तीन। जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पापा आने से पहले मुन्ना हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैं नहीं जाना चाहता। मेरे पास एक सोल्यूशन है, हम है ना घर को आग लगा देते हैं और बोल देते हैं घर के साथ साथ पेंटिंग भी जल जाए, और उसमें ना कैसे जल जाओ। हट, क्या करूं मैं, मुझे नहीं जाना, छोड़ के। मुन्ना देखो हम बोल रहे हैं तुम्हें नहीं आना है, तुम बताओ, हम तो जा रहे हैं, कौन मतलब तुम्हारे पापा फिर से आ गए तो हमें धक्के मार के बेइज्जत करके घर से बाहर निकालेंगे। मुझे नहीं पता था इस घर में मेरा आखिरी दिन है, मम्मी के घर चले जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। माँ आप कहीं नहीं जा रहे हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, ये इल्जाम मैं अपने सर लूंगा। हमारा बेटा, हमारा राजा बेटा। मुन्ना तुम्हें पता है हमें ना पहले से लगता था कि तुम हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ करोगे, और यही वो दिन है मुन्ना। ले लो ले लो इल्जाम, ले लो ये लो अपनी बैग और दूर भाग जाना। पापा नहीं रहेंगे तब हम कॉल करेंगे, कभी कभी पैसे भेज दिया करेंगे, निकलो तुम जा। अरे माँ है कि क्या है आप, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने प्लान भी सोच के रखा है। क्या? A plus Kamlesh.
ये कौन है? ए प्लस कमलेश बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। अरे रंग में उसको देख के रंग जाते हैं। एक बार पुलिस वालों ने उसको चोर की ड्राइंग बनाने को बोली थी, उसने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, इतनी अच्छी बनी कि चोर ने वो ड्राइंग खुद चोरी कर ली। एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस, ऐसे ऐसे एग्जाम कोड। ये माँ कमलेश ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। ये हमें नहीं लगता ये कर पाएगा। अरे माँ इसने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जीते हैं और मेरे सारे असाइनमेंट यही करता है। अच्छा हाँ हमें लगता तो खुद कर तो। कमलेश ऐसा सेम टू सेम बनाना है। देखो बेटा अच्छे से देख लो। हाँ अरे लेकिन इसमें तो शक्ल ही नहीं है। अरे बेटा आधी तो दिख रही है ना, बाकी तुम अंदाजा लगा के निकाल लो। इतनी सी जगह से क्या ही अंदाजा लगाएगी ना आंटी, इसमें शक्ल नहीं दिख रही है। और मुझे क्या पता ना तेरे दादाजी कैसे दिखते थे। वैसे आंटी मेरी दादाजी की आंखें भी सेम थी, तो मेरे दादाजी याद है, मेरे दादाजी बना दू। एक मिनट मुना इधर आओ। हाँ। इधर आओ इधर आओ, जल्दी 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 चलो हमारे साथ। देखो बेटा सेम टू सेम ऐसे मुन्ना के दादाजी ऐसे ही दिखते थे। तुम्हें ना बस उनपे वो मूछे चिपकानी है जो मुन्ना ने लगाई ना वो। हाँ और ये पेंटिंग तुम्हें एक घंटे के अंदर पूरी करनी है। एक घंटा? एक घंटा ऐसे ही कैसे बैठे रहूंगा? फोन लेके एक एक घंटा बैठते हो ना एक जगह पे, वैसे ही हिलना मत। निकालो बेटा तुम, ठीक है? हो जाएगा आंटी। आंटी मुझे थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम दीजिए ना। क्या मांग रहे हैं आप? यहाँ मत खड़ी रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हसो मत। अरे हसो मत बोल रहे तुम्हें। सुनो बेटा तुम कुछ खाओगे? अभी कुछ नहीं चाहिए। हिलो मत, उधर आके मारेंगे बता रहे। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा। अरे आंटी बस हो गया, हो गया मेरा मास्टरपीस। दिखाओ। है कि नहीं सेम टू सेम? बोल रहे थे हंसो मत हंसो मत, इतना मुंह फुला के हंस रहे थे। माँ आप टेंशन मत लो, ये पेंटिंग लगा दो, किंग सब कुछ ठीक कर देगा। लगा दो। आओ जी जी। मुन्ना की अम्मा जी आई। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हुआ? ये क्या है? पिताजी की तस्वीर। मैंने पिताजी को जिंदगी में कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो आज खुश होंगे शायद, परिवार को एक साथ देखकर आप जीजी को लेने गए, खुश होंगे। अरे पर कैसे? जगमोहन मैं खुश हूँ। जगमोहन मुन्ना की अम्मा पिताजी कहाँ है? पिताजी हमें तो नहीं दिख रहे। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमने परिवार का इतने अच्छे से ख्याल रखा। मैं खुश हूँ कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली, और उससे भी बढ़िया बात कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा हुआ है। हीरा है मेरा पोता, लेकिन तुम्हें उसकी परख नहीं। मैं खुश हूँ मेरे परिवार को खुश देख के। मैं जा रहा हूँ जगमोहन, मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखना और मेरे पोते को मारना मत। उसे पबजी खेलने देना, उसे रोज पैसे देना, उसे साइकिल देना। पिताजी हाँ हाँ हम जा रहे हैं। आपकी आंखें बंद करो, भगवान की रोशनी तुम सहन नहीं कर पाओगे। आंखें बंद करो जी जी, आंखें बंद करो। भैया पिताजी कहाँ गए? पिताजी मुझे मिलने आए थे। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको पता है भाभी। जी जी मुन्ना की अम्मा ये देखो पिताजी की आखिरी निशानी। हो गया क्या पूजा? अरे नहीं तुम्हारे दादाजी आए थे, ये उनकी आखिरी निशानी। दादाजी आए थे मुझसे मिले बिना चले गए? कुछ कहा का मेरे बारे में? हाँ कुछ पूछा साइकिल के बारे में? मुन्ना
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये कांड हमें जरूर बताइए, और आपने भी आपके बाप से किस कांड की वजह से मार खाई है वो भी हमें बताइए, और आपको और ऐसे कांड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या बोलूं।